मॉर्निंग सेवेंथ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करा दिया है चैप्टर फर्स्ट का, और मैंने आपको ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन कर दिया था, कैसे प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिटरोट्रॉफ का क्या मतलब होता है? देखिए, द वर्ड हिट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन। द हिट्रोट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेंड फ्रॉम अदर्स, मतलब न्यूट्रिशन किससे लेंगे? अदर से, अदर प्लांट से, एनिमल से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस बट ऑब्टेंड रेडीमेड फूड मेड बाई ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये डेफिनेशन हो गई हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, जिस वह टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं मेक कर सकता सिंपल सब्सटेंस से, और रेडीमेड फूड जो प्लांट के द्वारा बनता है उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेता हो, हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स में भी नॉन ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही अपना फूड मेक कर पाएंगे, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में ही क्लोरोफिल होगा, क्योंकि क्लोरोफिल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस के लिए असेंशियल सब्सटेंस है। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स हैव हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म हैविंग हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हिट्रोट्रॉप्स, ठीक है। और इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें हिट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे किस टाइप के होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिट मतलब जो दूसरों पे परजीवी रहते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनोदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। वह ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किससे लेंगे, दूसरे एनिमल्स की बॉडी से लेंगे, मतलब उसके ऊपर डिपेंड रह के। जैसे कस्कुटा अमरबेल, ये नॉन ग्रीन प्लांट है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। इट्स लॉन्ग येलोइश थ्रेड लाइक स्टेम्स अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। इसमें लॉन्ग येलोइश थ्रेड लाइक स्टेम्स होता है जो पूरा लिपट जाता है, किसके, जो जिसपे ये पैरासिटिक रहता है उसके ऊपर। जैसे ये डायग्राम में देखिए, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक येलोइश पूरा स्टेम होता है जो पूरा दूसरे प्लांट से लिपट जाता है, दूसरे प्लांट के स्टेम से इनसे, ठीक है, और ऊपर चढ़ जाती है ऐसे। इट हैज़ ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड हिस्टोरिया विच पियरसेज इन टू द प्लांट्स बॉडी ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग फॉर एब्जॉर्बिंग रेडीमेड फूड। और इसके जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उन्हें स्टोरिया बोलते हैं, जिससे ये क्या करता है, प्लांट से जो जिस प्लांट पे ये पैरासाइट है उस पे से ये क्या करता है, चढ़ जाता है, लिपट जाता है और फूड ले लेता है। ए फ्यू फंजाई एंड बैक्टीरिया आर ऑल्सो टोटल पैरासाइट। कई फंजाई और बैक्टीरिया भी पैरासाइट होते हैं, जैसे मिस्टल टॉय इज ए पार्शियल पैरासाइट, ठीक है। दिस प्लांट हैज ग्रीन लीव्स बट इज रिसीव वाटर एंड एनिमल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट ऑन विच इट ग्रोज, ठीक है। दिस प्लांट हैज ग्रीन लीव्स, इसमें ग्रीन लीव्स होती है, बट इट रिसीव वाटर एंड मिनरल्स, लेकिन ये होस्ट प्लांट से क्या लेता है, वाटर और मिनरल्स लेता है जिससे ग्रो करता है। द ओनली इट कैन सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड, और इस प्रकार ये अपना फूड सिंथेसाइज करता है। सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होते हैं, ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी सी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, जैसे हम रोटन वुड वगैरह पे, सड़ी गली लकड़ियों पे, गंदगी में अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखते हैं रेनी सीजन्स में, ठीक है। दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड मशरूम, इन्हें क्या बोलते हैं, मशरूम। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेंस फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेई ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का वह टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग सड़े गली चीज़ों से अपना फूड लेगा, प्लांट डेड प्लांट और डेड एनिमल से, तो उन्हें सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और आपके FA1 में फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर आएंगे, उनको अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। और मैं रिवीजन करा ही रही हूँ आपको, ठीक है, ओके।